नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। आरटीआई के खुलासे से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अंदर के खेमे में खलबली मच गई है। स्मृति ईरानी की परेशानियां फिर से एक बार बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिए एक ऐसी मुसीबत आ गई है जिससे वो छुटकारा पा रही थी, जिससे वो निजात पाना चाह रही थी, और वो है झूठ की राजनीति, झूठ का आरोप, और स्मृति ईरानी खुद इस वक्त फंसते हुए नजर आ रही है। दर्शकों, हम आप सबको बताएंगे कि आरटीआई से क्या खुलासा हुआ है, लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं आप दर्शकों को ये बता दें कि पूरा मामला था क्या, ताकि आप पूरी चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दरअसल मामला ये था कि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा, जय रमेश राम जी जो हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में अवैध रूप से बार चलाती है। स्मृति ईरानी ने इन चीजों को लेकर साफ शब्दों में कहा था कि मेरी बेटी सिर्फ कॉलेज में पढ़ाई करती है, उनका इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उसके बाद अब जो आरटीआई के ये खुलासे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं। आइए हम आप दर्शकों को समझाते हैं कि अब आरटीआई के खुलासे क्या हैं। स्मृति ईरानी के पति से जुड़ी फॉर्म से गोवा कैफे को मिला लाइसेंस आरटीआई ने के साथ खुलासा हुआ है। अगस्त के महीने में स्मृति ईरानी ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया था कि उनकी बेटी की गोवा के असगाहो में स्थित सिली सेल के कैफे और बार में कोई हिस्सेदारी नहीं थी। लेकिन अब जो खबरें आई हैं, आरटीआई ने कहा है कि हिस्सेदारी है, यानी अब यहां पर मामला फंसते हुए नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी फंसते हुए नजर आ रही हैं। देखना होगा कि इस आरटीआई के खुलासे पर स्मृति ईरानी जी का क्या बयान आता है, और देखना यह भी होगा कि इस खुलासे पर अब तक कांग्रेस ने भी अपना कोई रुख नहीं रखा है और न ही जो है स्मृति ईरानी अभी तक कुछ कही है। देखिए, ये मामला हालांकि बेतुका है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब बात आ गई है झूठ और सच की, और इसी वजह से इस मामले को लेकर स्मृति ईरानी ने जब गूगल से भी कहा था, यूट्यूब से भी कहा था कि वीडियो को डिलीट कर दिया जाए, तो उन्होंने लिंक मांगा था। देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।